हेलो, माय वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आ रही है आवाज अब? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। जय हिंद अमन। क्लियर, आ गई। चलिए, थैंक यू। हेलो शैली, तमन्ना, अंकिता, अमन, राजपूत, अंजना, सोनी, सबका बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले जो भी यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है विद डिटेल्ड एनालिसिस, उनका इस चैनल पर स्वागत है। चलिए, कीन्स थ्योरी एंड ट्रिकल डाउन थ्योरी को कोरिलेटेड विद ईच अदर, बिल्कुल है जी। वैसे कीन्स थ्योरी थोड़ा सा डिफरेंट चीज कहता है, अब मैं आखिरी में डिस्कस करेंगे सब बचा। कीन्स थ्योरी और ट्रिकल डाउन थ्योरी का क्या रिलेशन हो सकता है या क्या है दोनों, उनको हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। मेरे को एक बार आप रिमाइंड कराना। चलिए, अंकिता, कीना, हर्ष, स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले, सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, एंड वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम निष्ठा, करंट अफेयर्स 100 बाय टीम निष्ठा। दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स वेयर यू कैन ज्वाइन मी। तो टेलीग्राम पर, जीमेल, इंस्टा पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और टीम निष्ठा ऐप पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल है, जस्ट गो एंड चेकआउट दीज टेस्ट, ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले, आज का मोटिवेशनल कोट, ठीक है, जो आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आ रहा है कि सर डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक चीज एक याद रखना कि कहते हैं योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू टुडे, एंड योर टुडे हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो किस दिन तैयारी शुरू की जाए, कब से तैयारी शुरू की जाए, एक्चुअली तैयारी आपकी बहुत पहले से तैयारी चल रही है। अगर देखा जाए तो बचपन से इसी चीज की तैयारी हो रही होती है कि आप फाइनली एक अच्छी जॉब या लीजिए अच्छा, यू शुड बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। अब उसका कह लीजिए कल्बिनेशन पीरियड है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब कह लीजिए जो ये आपकी 6 महीने, साल या 2 साल की प्रिपरेशन है, वॉट एवर टाइम यू आर टेकिंग, बट दैट शुड कंसॉलिडेट वॉट एवर यू हैव रेड टिल नाउ, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू अभिराज, थैंक यू दामिनी, अपर्णा, ठीक है जी। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी डेज एफर्ट। मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज मोर ऑफ इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज नॉट कि भाई कितना आप जो है पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी कितनी है, रेगुलरिटी कौन मेंटेन कर रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज शुरू करते हैं, और एक बार सेशन को शेयर कर दो टेलीग्राम चैनल्स पर, ग्रुप्स पर, ताकि बाकी भी जुड़ जाए। पहली न्यूज ये है कि इंडिया और यूके की जो ट्रेड डील है, वो कहा जा रहा है कि ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं जो बच्चे नए हैं कि इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड डील की बात चल रही थी, और ये कहा जा रहा था कि दिवाली जो अभी 24 अक्टूबर को है, तब तक ये डील हो जाएगी। और मतलब काफी लोग इसको लेकर काफी निश्चिंत थे, दोनों सरकारों की तरफ से ये बात चल रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि यूके और इंडिया की ट्रेड डील खटाई में पड़ सकती है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, या कह लीजिए इसका क्या रीजन है और क्या इंपैक्ट होगा, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि यूके जो है ना, वो हमारी मार्केट तो चाहता है, 140 करोड़ लोगों को सामान तो बेचना चाहता है, बट हम में से अगर कोई जाता है यूके, उसको नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ऑलरेडी यूके की इकोनॉमी सफर कर रही है, और अगर यहां से कुछ लोग इमिग्रेट होकर वहां जाते हैं, तो अब उनको उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स या कह लीजिए जॉब्स, तो वहां के लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, तो वहां पर उनके लिए पॉलिटिकली बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज को बातचीत करना या इस चीज को कन्वे करना अपने लोगों को कि इंडियंस आ रहे हैं, हमारी जॉब ले रहे हैं। इस तरीके से वहां पर कह लीजिए ओपोजिशन पार्टी चीज को कन्वे करेगी, और यहां पर बट हमारे लिए कह सकते हैं कि यहां पर अगर हम दोनों
इंडिया और यूके के परस्पेक्टिव से देखें, बट यूके इज इन मच नीड, यहां पर हमें उतनी जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जितनी जरूरत यूके को है उतनी जरूरत हमें नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने कई दो तीन चार बार इसके ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि यूके की इकॉनमी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। सो और इश्यूज क्या हैं? अब देखो यूके किन किन चीजों पर भारत से एग्जेम्पशन चाह रहा है। एग्जेम्पशन चाह रहा है कि रूल्स ऑन डाटा लोकलाइजेशन, जो कि इंपैक्ट करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को, ग्रेटर एक्सेस टू इंडिया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको लेकर इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि ये हम नहीं कर सकते, हमारे डोमेस्टिक लॉज इसको लेकर अलाउ नहीं करते हैं। अब वो चाहता है कि हमें यहां पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ठीक है, एग्जैक्टली जो यूके करता रहा है वो ही चाहता है, बट और इसके अलावा वो ये चाहता है कि इंडिया जो है ऑटोमोबाइल्स पर, स्कॉच विस्की पर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करे, ठीक है, वन ऑफ द ब्रिटेन्स मेजर डिमांड्स, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर उनको लग रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एज मोदी गवर्नमेंट्स अवेट्स हेडवे ऑन द इश्यू ऑफ स्किल्ड वर्कर्स मोबिलिटी। हम चाहते हैं कि स्किल्ड जो वर्कर्स हैं हमारे उनको जॉब्स मिल पाए, ठीक है, हमारे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको यूके में जॉब मिल पाए, इस चीज के बारे में हम एक एग्रीमेंट चाहते हैं, जिसको लेकर वो अपने हिस्से का एग्रीमेंट अलाउ नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम ईयू छोड़ने के बाद आई है, और अब यूके के साथ और एक प्रॉब्लम हो गई है कि ब्रेग्जिट छोड़ने के ब्रेग्जिट के बाद, या कह लीजिए ईयू छोड़ने के बाद यूके के लिए, अब अगर ये डील नहीं होती तो यूके की इकोनॉमी और सफर करेगी, और इंटरनेशनल कह लीजिए एक सिनेरियो में एक गलत मैसेज आएगा कि अब यूके जो है फ्री ट्रेड डील्स या ट्रेड डील्स नहीं कर पाएगा इंडिपेंडेंटली, जो कि बार बार उस समय पर ईयू ने भी यही कहा कि हम एक 27 देशों का, या कह लीजिए पहले 28 देशों का एक समूह है, और इससे हमारी एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, बट यूके ने उस समय पर भी यही कहा कि ईयू से, देखो ब्रेग्जिट का एक बहुत बड़ा कारण था कि ईयू से बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो यूके जा रहे थे, क्योंकि अब यूके कह लीजिए ईयू का पार्ट था, यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तो यूके उन वर्कर्स को मना नहीं कर सकता था, और वहां के जो कह लीजिए अभी पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने काफी लेख वेख लिखे उस समय पर, और ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो यूके की इकोनॉमी जिससे सफर कर रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, मतलब ईयू के बाकी जो देश हैं वो हमारी नौकरियां ले जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा संकट है कि किस तरीके से अपनी नौकरियों को बचाया जाए, अपनी अपनी इकोनॉमी को बचाया जाए, एट द सेम टाइम वो नया बाजार भी चाहते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जो कि नेगोशिएट करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, सो यहां पर उनके लिए बहुत एक समस्या है। फेलियर विल प्रोवाइड अनदर ब्लो टू पोस्ट ब्रेग्जिट विजन के यूके कैन क्लिंच न्यू डील्स इन द मार्केट, और स्कॉटलैंड भी अलग होना चाहता है, वो एक अलग इशू है, ठीक है। यूके इंपोर्ट 50% फूड, एंड ये डील होगी तो यूके का इंपोर्ट और बढ़ जाएगा जो इकोनॉमी को डिक्रीज करेगा वहां की। यस, अगर हम मैं इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में ट्रेड सरप्लस है, या कहूं तो हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादा है और इंपोर्ट हम कंपैरेटिवली कम करते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली ये भी कह सकते हैं कि रीजन है जिसमें कि यूके चाहता है कि हमें ज्यादा एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का, इवन यस, बट लिज ट्रस्ट जो है यहां पर कह लीजिए उनके लिए ये सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि डील करे तो दिक्कत लग रही है, डील ना करें तो और बड़ी दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है, यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन इज एट हाई 8.5%, तो इन्फ्लेशन जो होलसेल लेवल पर 8.5% पहुंच चुकी है इन सितंबर फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, और थर्ड स्ट्रेट डिक्लाइन है, दो कॉस्ट रिमेन एट पेनफुली हाई लेवल्स, तो कुछ इन्फ्लेशन में राहत मिली है जो कि अभी लगभग 9 से 9.5% के बीच में चल रही थी, तो थोड़ी सी कम हुई है यूएस में, बट
यहां पर अभी भी जो उनका कंफर्टेबल, देखो डेवलप्ड कंट्रीज में ना इन्फ्लेशन डेवलपिंग कंट्रीज की तरह नहीं रहती है। डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन का लेवल, जैसे हम जनरली भारत में 4 ± 2% की बात करते हैं, मतलब 2 से 6% के एक कंफर्टेबल लेवल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो वहां पर जो इन्फ्लेशन लेवल्स हैं बड़ी इकोनॉमीज में वो काफी कम रहता है, जो एवरेज लेवल। तो 8.5% इज मच हायर। अब अगर यूएस का इन्फ्लेशन पिछले कुछ सालों में देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस द करंट सिनेरियो, तो वो आपको 1 से 2% के बीच में मिलेगा, मतलब बहुत कम रहता है इन्फ्लेशन, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज हैं। ठीक है, यहां पर प्राइस राइज उतना ज्यादा नहीं है। अब 8.5% इज स्टिल मच हायर, ठीक है, जो कि उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और इसी को लेकर यूएस की इकॉनमी भी चिंतित है और यूएस की सरकार भी चिंतित है। उसका एक कारण और है, क्योंकि अगले महीने वहां पर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, या कह लीजिए जैसे हमारे यहां पर डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है लोकसभा, वहां पर उनके इलेक्शंस हैं। और जितने भी सर्वे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स, तो अभी किसकी सरकार है, डेमोक्रेट, जो जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और ये कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन्स जीत सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेग्जिट क्या है? ब्रेग्जिट शैली, ब्रेग्जिट है अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि जब ईयू से बाहर हुआ था, ईयू यूरोपियन यूनियन 28 देशों का समूह हुआ करता था, उसमें से यूके बाहर चला गया, और यूके के बाहर होने के बाद वो 27 देशों का समूह रह गया। अब ईयू कह लीजिए इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यूनियन है, ठीक है, एक यूनियन है, एक नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिकल यूनियन बट इकोनॉमिक पॉलिटिकल यूनियन है, जिसमें उनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी भी है, कॉमन ट्रेड पॉलिसी भी है, ठीक है, और कॉमन ईयू जो है मिलकर बाकी देशों से डील करता है बहुत सारे मुद्दों पर। ठीक है, उसकी अपनी एक पार्लियामेंट है, ठीक है, अपनी एक सरकार है, ठीक है, दो इंडिविजुअल सरकारें हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सब देश हैं, स्पेन, पोर्चुगल, बहुत सारे देश हैं, बट एक ईयू अपने आप में बड़ा समूह भी है। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिश, पॉलिश मतलब वो वाला पॉलिश नहीं, पोलैंड की बात कर रहा है। पोलैंड की जो ऑयल पाइप है हिट बाय लीक एज ईयू मिनिस्टर्स टैकल एनर्जी क्राइसिस। देखो ईयू एक तरफ एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, क्यों जूझ रहा है, क्योंकि रशिया ने गैस की सप्लाई कम कर दी है। अब ऊपर से मार क्या हुई है कि पोलैंड ये कह रहा है कि लीक हो गया है उनकी एक पाइपलाइन में, ड्रुज्बा पाइपलाइन ऑन द मेन रूट फॉर ऑयल टू जर्मनी वॉज प्रॉब्ली कॉज बाय एक्सीडेंट। तो यहां पर एक्सीडेंट की वजह से ये पाइपलाइन में कह लीजिए एक लीकेज है, और सीधा सीधा जो कह लीजिए गैस पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो कि रशिया से जर्मनी पहुंच रही है इज करेंटली आउट ऑफ एक्शन लास्ट मंथ। अब इसको ईयू के देश ये कहते हैं कि रशिया ने जानबूझकर इसमें इसको सप्लाई नहीं कर रहा है। रशिया कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ये डैमेज नेचुरली हो गया है, हम इसको ठीक कर रहे हैं। और वो जो लीकेज हुआ था रिसेंटली, सोनी, जो रिसेंटली लीकेज हुआ था वो नॉर्ड स्ट्रीम में हुआ था, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज फ्रॉम रशिया टू आपका थ्रू बाल्टिक स्टेट्स होते हुए वो आपका था जर्मनी तक। ठीक है, तो ऑलरेडी ये लोग 27 देश जो हैं मिलकर बात कर रहे हैं कि हमें रशिया से किस तरीके से गैस सप्लाईज को कम करना है। अब आप पूछें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गैस सप्लाईज कम तो कर देंगे बट आपूर्ति कहां से होगी, ये भी आज की न्यूज में हम देखेंगे, अगली ही न्यूज है देखेंगे। विद गैस प्राइसेस ऑलमोस्ट 90% हायर, मतलब पिछले साल अगर मान लीजिए 100 रुपए, मैं इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं, या 100 यूरो मान लो, ठीक है, अगर 100 यूरो था प्राइस, अभी 190 यूरो चल रहा है। तो इसी की वजह से यूरोप में आपको बहुत हाई इन्फ्लेशन मिल रहा है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, सर्दियां अब यहां पर इनके लिए गैस कैसे इंपॉर्टेंट है, घरों को गर्म करने के लिए, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन के लिए, तो यहां पर इनकी इकोनॉमी बहुत हद तक रशियन गैस पर डिपेंडेंट थी। दो अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में देखेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लेवल पर है, पर ब्रॉडली अगर हम मैं देखूं तो 1/4 यूरोप की जो गैस सप्लाईज हैं वो रशिया से आती थी, जो कि अगर नहीं आएंगी तो सीधा सीधा इसका नुकसान होगा ईयू को, और ईयू ने इसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिव पे आ रहा हूं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पे आ रहे हैं। ईयू कंट्रीज
टर्न टू अफ्रीका इन बिड टू रिप्लेस रशियन गैस। समझ रहे हो? देखो अब थोड़ा सा ना पीछे चले जाओ, लगभग 250 साल पहले चले जाओ, तो एक टर्म हम पढ़ते हैं कलोनियलिज्म। ठीक है, कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म में क्या था, अल्टीमेटली जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अपना अपना, खैर नॉट जस्ट 250 ईयर्स, रादर आई शुड से 300 to 400 ईयर्स बैक। तो जब अलग अलग यूरोपियन देशों ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज को सेट करना शुरू किया, उसका रीजन क्या था, अल्टीमेटली रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। अल्टीमेटली हम इंडिया के कंटेक्स में हम क्या देखते हैं कि यूके ने क्या किया, हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाना शुरू किया, अपनी इंडस्ट्रीज को फिट किया और वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया लाने शुरू किए। तो यहां पर अब दोबारा से ईयू की नजर कहां चली गई है, अफ्रीका पर चली गई है। अब सवाल एक एक कह लें ना मॉरेलिटी या नैतिकता का भी उठता है कि एक तरफ अफ्रीका है जो ऑलरेडी बहुत गरीबी में चल रहा है, ऑलरेडी लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी या कह लीजिए बेसिक सुविधाओं की कमी है, भाई बिजली उनको भी तो चाहिए, एनर्जी की नीड्स उनको भी तो चाहिए, बट इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए अब ईयू का फोकस हो गया कि अब रशिया के, सॉरी रशिया क्या गया, जो अफ्रीका के नेचुरल गैस प्रोजेक्ट्स हैं उन पर किस तरीके से नजर गड़ाई जाए। सो न्यू लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट में ओनली भी 80% कंप्लीट, बट अभी ये शुरुआत हुई है, बट इनका टारगेट है कि अगले कुछ सालों में हम इसको तैयार कर लेंगे और यहां से हम गैस निकालकर यूरोप को फीड करेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें ना वो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई थी अभी, तो उन्होंने कहा कि भाई यूरोप हैज टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट दैट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, यूरोप्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। तो उनको अभी भी वो माइंडसेट में जी रहे हैं उसमें। सो द इनिशियल फील्ड नियर सेनेगल एंड मॉरिटेनियस कोस्ट लाइन इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट मीटर्स ऑफ गैस, जो कि लगभग 5 गुना है जो कि जर्मनी को चाहिए थी 2019 में। मतलब पूरी जर्मनी ने 2019 में जितनी गैस यूज की थी उसका लगभग 5 गुना है, मतलब ठीक ठाक इनको यूरोप का काम चल जाएगा। द प्रोडक्शन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट अंटिल द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, पर इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिलेगा यूरोप को, इमीडिएटली इसका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बट इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये हमें नियर फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो ये कौन सा एरिया है, सॉरी सेनेगल एंड मॉरिटेनिया, तो ये देख लीजिए पहले मॉरिटेनिया सेनेगल। एक हम ट्रिक भी पढ़ते हैं कि कौन कौन सी देश हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ना, कर्क रेखा गुजरती है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मैंने इसकी ट्रिक बताई हुई है, मान ले। ठीक है चलो अभी उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। तो ये है ये वाला रीजन, तो यहां पर आपको ये गैस रिजर्व्स मिलेंगे। यस ठीक है जी। तो अफ्रीका के नेचुरल गैस रिजर्व्स आर वास्ट, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक अल्जीरिया हैव पाइपलाइंस ऑलरेडी लिंक टू यूरोप। अच्छा अब आपको ये भी समझना है कि नाइजीरिया जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है, ठीक है, नाइजीरिया कहां पर है, ये रहा आपका नाइजीरिया, और ऑयल के बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब नाइजीरिया भी ये चाहता है कि हमारा बहुत सारा गैस वहां पहुंच जाए क्योंकि इनकी इकोनॉमीज अच्छी नहीं चल रही हैं और ये चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से पैसा मिले। सो यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस दैट कम्स बाय शिप। अच्छा एक और अल्टरनेटिव इन्होंने ढूंढा है, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि लेबनन कहां पर है, ये लेबनन, लेबनन कहां पर है, इसराइल के नॉर्थ में। ठीक है, जिनका इसराइल के साथ हमेशा से डिस्प्यूट रहा है, अब दोनों देश मिलकर क्या कह रहे हैं कि मेडिटेरेनियन कोस्ट में हम गैस को निकालेंगे और मतलब हमें वहां पर गैस के रिजर्व्स हैं और दोनों की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो ये गैस कहां जाएगी, ये भी इसका भी एक पोर्शन जो है आपको यूरोप जाते हुए मिलेगा। ठीक है जी, तो अब यूरोप जो है पूरी दुनिया में इधर उधर नजर गड़ा के बैठा हुआ है कहां से गैस मिल जाए, कहां से नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए। चलिए उस कंट्री के गवर्नमेंट भी हाँ बोलना चाहिए, उसकी उस कंट्री की गवर्नमेंट हाँ बोलने के लिए रेडी है सुभाषीष, क्योंकि उनको पैसा चाहिए।
ठीक है, उनको ऑलरेडी वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। देखो, सो अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स आर कटिंग डील्स और रिड्यूसिंग एनर्जी यूज सो दैट दे हैव मोर टू सेल। वो अपनी एनर्जी कट्स को कम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी यूसेज को कम कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यूरोप को बेच सकें, ठीक है, टू बूस्ट देयर फाइनेंसिस। बट सम लीडर्स वो वॉन्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स लैक बेसिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाईज आर नीडेड एट होम। बट कुछ लीडर्स ने कहा है कि आप ये सारा वहां भेज देंगे तो हमारे यहाँ पर जो हमारे लोकल लोग हैं उनका क्या होगा, उनकी वॉइस अल्टीमेटली। अब यहां पर फिर वो एक मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में डिस्कशन में, मोरालिटी वाली बात आ गई कि जो अफ्रीकन्स हैं उनकी वॉइस नहीं है, हाँ उनकी वॉइस कह लीजिए या है भी तो उतने प्रखर रूप पर वो इंटरनेशनल लेवल पर उठाई नहीं जा रही। यूरोप की प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट स्टेटमेंट सिग्निफाइज लॉट ऑफ थिंग्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शी जिनपिंग ऑल सेट टू रिवाइंड चाइनाज क्लॉक बैक टू वन लीडर रूल माओ। देखो, माओ आते हैं 1949 में पावर में, और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, मतलब वो उनकी मृत्यु हुई लगभग 1976 में, तब तक वो सत्ता में बने रहे, तो कह सकते हैं 27 साल वो सत्ता में बने रहे। अब कुछ ऐसा ही शी जिनपिंग चाहते। उसके बाद ये हुआ कि जितने भी चाइनीज प्रेसिडेंट थे उनकी टर्म 2 टर्म रही, 5-5 साल की, तो मतलब मैक्सिमम 10 साल के लिए वो रहे। बट अब शी जिनपिंग चाहते हैं कि मैं जो है ताउम्र जो है पावर में रहूं। तो अब जो 5 साल में यहां पर सो कॉल्ड जो इनका कहना है कि ये ट्रू डेमोक्रेसी है, इंडिया के बारे में बोलते हैं कि क्योटिक डेमोक्रेसी है, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो यहां पर जो इन्होंने कहा है कि इनकी 2296 डेलीगेट्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है अंडर द आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स ये आएंगे साथ में, और तीसरी टर्म दी जाएगी शी जिनपिंग को। और ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग वहां के संविधान में या वहां के रूल्स में चेंज करवाने जा रहे हैं ताकि वो ताउम्र या के लिए जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो राष्ट्रपति बने रहें, ठीक है, ऐसा कहना है। बीच में ये भी न्यूज आई थी, मैंने तब भी आपको कहा था कि सर ये न्यूज आ रही है कि बंदी बना लिया गया है या फिर पॉलिटिकल कू हुआ है, तो मैंने आपको कहा था कि जब तक चीजें पुख्ता तौर पर ऑफिशियली सामने नहीं आती तब तक वो सारी र्यूमर्स होंगी। तो अभी के लिए यही चीज निकल कर आ रही है कि यहां पर ये रहने वाले हैं राष्ट्रपति। और अभी श्रीलंका जैसे कई देश वेट कर रहे हैं कि भाई साहब आपके इलेक्शन निपटें, और जो हमने आपको एक चिट्ठी अर्जी दे रखी है लोन रिस्ट्रक्चरिंग की, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा विचार विमर्श करें, ठीक है। और यूएस भी या कह लीजिए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है। यस मीन्स ही वॉज नॉट अंडर हाउस अरेस्ट, या हो सकता है कि हाउस अरेस्ट में रहे हो तो उसके बाद जो है वो आई डोंट नो। मतलब देखो, चाइना से जो न्यूज आती है वो मीडिया तो वहां पर अलाउ है नहीं है, तो जो जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, या कह लीजिए वो कंफर्म नहीं है, तो वहां स्टेट मीडिया ही है, स्टेट मीडिया ने जो कह दिया वही होगा। चलिए, हाँ जी, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो हाँ, चलो मैं आखिर में बता भी दूंगा अगर वो ट्रिक, वैसे मानसी ने लिख दी है, थैंक यू मानसी। IMF फर्दर लोअर्ड चाइनाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2022 एंड 2023। अब IMF ने एक चिंता जाहिर की है कि पूरी इकोनॉमी, अब आज हम दो न्यूज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, रादर 3 न्यूज पढ़ेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, कि IMF ने सबसे पहले तो चाइना की ग्रोथ को कम किया है। चाइना की ग्रोथ रेट को जो मतलब एक्सपेक्टेड है या एस्टिमेट्स हैं अगले साल के लिए 2023 के लिए कम किया है, और इसके मायने भारत के लिए क्या है, विश्व इकोनॉमी के लिए, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, एट द सेम टाइम इंडियन इकोनॉमी को लेकर IMF ने क्या कहा है और वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है, तीनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं IMF। सो IMF ने कहा है कि चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी, हैज लोअर्ड इट्स ग्रोथ 3.2%, पहले एस्टिमेट कितना कहा था 3.3। देखो, चाइना की इकोनॉमी किसी टाइम पर 10% के लगभग ग्रो कर रही थी, ठीक है, जो बीच में एक पीरियड था। अब यहां पर दो तीन मेन कारण आए हैं, ठीक है। यहां का एक बहुत बड़ा कारण इनकी इकोनॉमी का डूबने का है इनका रियल एस्टेट। अब आप पूछेंगे रियल एस्टेट क्या होता है,
और इस रियल एस्टेट सेक्टर से इनको क्या दिक्कत आई है। देखो 2008 में अगर आपने सब प्राइम क्राइसिस सुना हो, ये किस किस ने सुना है सब प्राइम क्राइसिस, बेसिकली यूएस में क्या दिक्कत आया था कि बहुत लोगों को लोन दे दिया गया घर खरीदने के लिए, लोगों ने खो दबा के घर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी के, वाह लोन मिल रहे हैं सस्ते में, अब मेरा अपना घर होगा, बड़ा घर होगा, गार्डन वाला घर होगा, तो सबने लोन वोन ले लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनकम मतलब होता है ना कि ज्यादा लोन ले लिया, अब उसको चुका नहीं पाए, डिफॉल्ट कर गए, बैंक कोलैप्स कर गए, कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ है। रियल एस्टेट जो सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं इंडिया में भी कुछ कंपनीज के साथ हुआ है रिसेंटली कि उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया कि हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे, सबको फ्लैट दे देंगे, ठीक है, सबको घर दे देंगे। अब वो साइकिल जो घूमना था पैसे का, कि घर बनने थे, फिर वो बिकने थे, फिर लोग पैसा आता, इकोनॉमी ग्रो करती, वो ऐसा नहीं हुआ। और ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये कहना मतलब ये कहा जाता है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर 1/5 ऑफ द जीडीपी है, मतलब 20% जीडीपी है, ठीक है, 20% जीडीपी का हिस्सा है रियल एस्टेट सेक्टर। तो वहां की जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट की कंपनीज हैं उनका दिवालिया निकल चुका है। दूसरा, वहां पर सीवियर लॉकडाउन चल रहा है, सीवियर लॉकडाउन के चलते ऑब्वियसली वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। अब इस प्रोडक्शन के ना होने के चलते क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में आपको एक शॉर्टेज मिल रही है, किसकी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, जो चाइना के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। इट इज नॉट दैट इजी कि इंडिया सडनली चाइना में प्रोडक्शन कम हुई और सडनली हम ग्रो कर जाएंगे। ऑब्वियसली इसके लिए भारत की इकोनॉमी को, भारत सरकार को बहुत सारी चीजें करनी होंगी, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि गतिशक्ति प्रोग्राम है, बट उसके अलावा भी जो कह लीजिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, रेड टेपिज्म जो कहा जाता है इंडिया में, करप्शन, उसको बहुत हद तक कम कंट्रोल करना होगा, ताकि वो जो कह लीजिए एक गैप क्रिएट हुआ है इंडिया उसको फिल कर सके, ठीक है। तो ये यहां पर वीकनिंग डिमांड पुटिंग प्रेशर ऑन सप्लाई चेन, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे प्रभावित होगी, ऐसा आईएमएफ का भी कहना है। तो चाइना की इकोनॉमी के गिरने के दो तीन मुख्य कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ जी, ट्विन टॉवर नोएडा गिरा, बिल्कुल। कमर्शियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने ही इंटरवीन किया है यूएसए के जायंट्स को, यस यस। चलिए आगे चलते हैं। यूएस इम्पोजेस वीजा रिस्ट्रिक्शंस ऑन तालिबान रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान। तो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने वीजा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं तालिबान के कह लीजिए मेंबर्स पर, अदर इंडिविजुअल्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द रिप्रेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान थ्रू पॉलिसीज एंड वायलेंस, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वीजा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट्स द इशुएंस ऑफ वीजा फॉर करंट एंड फॉर्मर तालिबान मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ नॉन सिक्योरिटी ग्रुप्स, और जो भी इंडिविजुअल्स इस चीज में बिलीव करते हैं कि महिलाओं को दबाया जाए, बच्चियों को दबाया जाए, ठीक है, थ्रू रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एंड वायलेंस, ऐसा कहना है। बट यहां पर थोड़ा सा यूएस के साथ ये भी आ जाता है कि ये यूएस सिलेक्टिवली कैसे करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रिजीम्स हैं, ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं, जिसको यूएस सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वहां पर भी ऐसा हो रहा है। तो वहां पर ये सारी की सारी वीजा रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाई जाती हैं, ये भी एक सोचने का क्वेश्चन है। और जिसको एग्जैक्टली इंडिया ने कहा भी था अभी रिसेंटली कि इंडिया ने मतलब बिना नाम लिए यूएस को ये कहा, यूएस का भी नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, और ये कहा कि आपने जो कह लीजिए मिलिट्री रिजीम को सपोर्ट किया है, ठीक है, मिलिट्री रिजीम को सपोर्ट किया है, ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में, और वहां पर फिर आपकी जो ये डेमोक्रेसी वाली कहानी है वो थोड़ा सा खटाई में पड़ जाती है। और लास्ट ईयर यूएस ने बुलाया था पाकिस्तान को, एक डेमोक्रेसी की समिट की थी, तो पाकिस्तान को भी बुलाया गया था, पाकिस्तान नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहा था, और पाकिस्तान भी तो कहता है, कथित तौर पर तो कहता ही है कि हम डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, जैसे भी हो मिलिट्री बैक्ड डेमोक्रेसी ही सही, बट उसको चाइना ने नहीं जाने दिया। चाइना ने कहा बेटा देख लो, जाओगे तो जो पैसा मिल रहा है बंद कर देंगे,
कह रहे नहीं नहीं भाई साहब आप नाराज मत होइए, हम नहीं जाएंगे यूएस की डेमोक्रेसी समिट में। तो यहां पर आप मतलब एक डुअलिटी भी आ जाता है। चलिए यस, देखो मैं आपको ये जो पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी में जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहां पर शब्दों का और जो कहा जाता है बहुत सारी चीजों में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना भी। चलिए, यूएस इंडिया टू वर्क टुगेदर टू सपोर्ट शेयर्ड विजन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, सेज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब जैसे इंडिया ने थोड़ा सा चाबी घुमाई, यूएस भी कह रहा नहीं नहीं अरे तुम हमारे मित्र हो, ठीक है हमें फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, डीक्लासिफाइड वर्जन विच वॉज रिलीज लास्ट नाइट, और इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, और हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर है आप, और यूएस और इंडिया मिलकर काम करेंगे बायलेटरली और मल्टीलेटरली, और हमारा शेयर्ड विजन है हम फ्री एंड। देखो जब यूएस जैसे ही चाइना के बारे में सोचता है ना, उसको इंडिया जो है इंडिया पे कुछ अलग प्यार आ जाता है। ठीक है, उसको लगता है कि वाह यही हमारे मित्र देश, क्योंकि कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में, यू नो दैट विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया इट कैन नॉट बी डन। तो यहां पर ये कहा गया, स्ट्रेटजी हैज रीअफर्म्ड यूएस आयरन क्लैड कमिटमेंट के हम इंडो पैसिफिक ट्रीटी अलाइज के साथ। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, स्पेशली क्वाड वाले मेंबर, चार मेंबर, ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ, ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया और यूएस हो गया, और साउथ कोरिया देखो अलाई है, फिलीपींस अलाई है, फिलीपींस भी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मैं बैलेंस बना लूं दोनों में, यूएस और चाइना में, एंड थाईलैंड। सो इट द यूएस विल कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज दीज अलाइंसेस। ठीक है जी, फ्लड्स ठीक हो गए पाकिस्तान, नहीं नहीं जी अभी नहीं हुआ है, चाइना को काउंटर कौन करेगा, यस ठीक है जी। नेक्स्ट है, रशिया इज प्रिपेयर टू क्विट ब्लैक सी ग्रेन डील राइट्स टू यूएन विद डिमांड्स। अब रशिया ने भी थोड़ा सा टाइट कर दिया। रशिया ने टाइट क्यों किया, देखो अभी आपको अगर याद हो जो क्रीमिया वाला ब्रिज है, क्रीमिया वाला ब्रिज है उस पर अटैक किया गया, जिसको रशिया ने काफी ज्यादा उसका मतलब कह लीजिए उसको अपोज किया, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिट्रली भी उसको बहुत अपोज किया। ठीक है, बहुत ज्यादा बॉम्बिंग शुरू कर दी कीव में, यूक्रेन में। अब जो डील हुई थी कुछ समय पहले ही, जिसमें कि तुर्किये, ठीक है तुर्किये, तुर्की नहीं तुर्किये, तुर्किये और यूएन ने मिलकर मध्यस्थता की थी, किसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, कि पूरी दुनिया में अनाज का संकट आ रखा है भाई साहब, आप ग्रेन जो फूड ग्रेन्स हैं ठीक है ये नहीं पहुंचा पा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ये नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक फूड का क्राइसिस आ चुका है, फूड प्राइसिस ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेकर दोनों देशों ने ये एग्री किया था कि हाँ जी हम जो नेसेसरी सप्लाईज हैं इनको हम अलाउ करेंगे, इस पर हम कह लीजिए मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे या बॉम्ब नहीं गिराएंगे, तो ये दोनों ने तय किया था। अब कहीं ना कहीं रशिया ने डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड नेशंस को कहा है कि हम इस डील से बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी, और इज प्रिपेयर टू रिजेक्ट द रिन्यू, क्योंकि ये क्या है, ये भी कह सकते हैं प्रेशर टेक्टिक्स है, क्योंकि अगर रशिया इससे बाहर आया तो अगेन पूरी दुनिया में आपको फूड प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई, ऑल टाइम हाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है अभी भी, उधर से ओपेक ने क्या कह दिया है, ओपेक ने कह दिया है कि हम 20 लाख बैरल है ना, 2 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कम कर देंगे ताकि प्राइसेस बढ़ सकें, तो ऑयल के प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ाए जा रहे हैं, इधर से रशिया ने फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट या और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी फिर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में यूज किया जा रहा है। सो प्रोक्ड बाय यूनाइटेड नेशंस तुर्की, जुलाई जुलाई में ये हुआ था दोनों के बीच में संधि कि हाँ हम उसको अलाउ करेंगे। सो द एग्रीमेंट हेल्प स्टेव ऑफ अ ग्लोबल फूड क्राइसिस, वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर्स एंड रशिया इज द नंबर वन फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर। देखो फर्टिलाइजर हमने देखा कि श्रीलंका में फर्टिलाइजर बैन करने का सीधा सीधा इफेक्ट क्या हुआ, श्रीलंका की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एकदम कम हो गई। यस, चेंज ऑफ
यस ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी चीजें कही गई हैं। इन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट एक्ट था, जो ब्रिज क्रीमिया वाला ब्रिज आपने तोड़ा ये टेररिस्ट एक्ट था। इसका हम अब आपको बताएंगे कि क्या होगा। तो यहां पर रशिया ने थोड़ा अपनी पोस्चरिंग स्ट्रांग कर दी है, टफ कर दी है, क्योंकि इनको पता है कि पूरी दुनिया का प्रेशर आएगा यूएस पर और वेस्ट पर कि भाई साहब नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। अगर रशिया ने फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, देखो ईयू को कैसे चाबी देता है, ईयू को चाबी देता है गैस सप्लाईज रोककर, बाकियों को फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर। तो रशिया ने कई चीजों में कह लीजिए अपने पास में रखा हुआ है पत्ता, तुरंत पता चलता है। तो ये उनके लिए इन्होंने ये एक कह लीजिए प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में इसको चला है। नेक्स्ट चलते हैं रशिया टू वेकुएट खेरसोन। अच्छा एक बात और, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्लीज डू शेयर द सेशन, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड रीच टू मेनी पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशिया टू वेकुएट खेरसन रेजिडेंट्स एज यूक्रेन एडवांसेस इन अ साइन जिसमें कि कॉन्टिन्यूइंग एंड सस्टेन्ड मिलिट्री गेन्स अलॉन्ग द सदर्न फ्रंट आर वॉरिंग क्रेमलिन। तो अब देखो, अब आप एक पॉइंट ध्यान से सुनो इसमें। अभी चार रीजन को रशिया ने अपने कह लीजिए एनेक्स किया यूक्रेन से, कौन कौन से हैं, लुहांस्क, हाँ जी चारों सेशन लिख दो एक बार, चारों चारों रीजन लिख दो, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसन और जेफरोजिया, है ना, चार रीजन है। अच्छा ये चारों रीजन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा रीजन नहीं है जो अनेक्स किया इस तरीके से। चलो अब मैं पॉइंट ध्यान से सुनना, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमारे लिए हमारी क्या बात चल रही है इंडिया में, इंडिया में चल रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, है ना। अभी रिसेंटली एक डिबेट चल रही थी, मैं उस पॉलिटिकल वाले पार्ट में नहीं जाऊंगा, बट हाँ ये डिबेट है, सब इस चीज को मानते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स आने की जरूरत है। ठीक है, हमारे लिए पॉपुलेशन और रिसोर्सिस का बहुत बड़ा मिसमैच है। ठीक है, अब इनके लिए उल्टा है, इनके लिए डिक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, इनको पॉपुलेशन चाहिए। वो पूछेंगे मतलब क्या बात कर रहे हो, तो इंडिया से थोड़ा बहुत भेज देते, नहीं, वो वाला नहीं, मतलब इनको पॉपुलेशन रशियन, जो रशियन मूल की पॉपुलेशन है वो चाहिए। अब इनको क्यों वो पॉपुलेशन चाहिए, देखिए अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो या तो स्टेबल हो चुकी है या नेगेटिव जा रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है। और इनको रशिया का टारगेट क्या है, रशिया का टारगेट ये भी है कि इनको अपना साइबेरिया वाला एरिया जो एक बहुत बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, और फार ईस्ट वाला एरिया, फार ईस्ट वाला एरिया जिसमें अभी रिसेंटली समिट भी हुई थी जिसमें पुतिन भाई साहब गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें शिरकत की थी, तो फार ईस्ट वाले एरिया को डेवलप करना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मैन पावर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मतलब एक मैं ब्रॉड व्यू आपको बता रहा हूं, और ऊपर से यूक्रेन के भी हमले हो रहे हैं, मिलिट्री गेन लेता जा रहा है। तो रशिया ने क्या कहा कि भाई जो पार्शली ऑक्यूपाइड खेरसन रीजन है ना, जो भी उसके रेजिडेंट्स हैं वो रशिया जो आना चाहते हैं उनको फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा। क्या बात है, समझ रहे हो, मतलब पॉपुलेशन हमारी तरफ आ जाए, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे पास आ जाए। सर रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये कहा गया अनाउंसमेंट शॉर्टली आफ्टर द रशिया बैग लीडर ऑफ खेरसन वन ऑफ द फोर यूक्रेनियन रीजन्स इलीगली अनेक्स्ड बाय मॉस्को, ऐसा मतलब लास्ट मंथ आज क्रेमलिन टू ऑर्गेनाइज इवैक्यूएशन ऑफ फोर सिटीज, मतलब कुल मिला के इन्होंने कहा है खेरसन की पॉपुलेशन को कि आप अगर रशिया आके सेटल होना चाहते हैं तो आपको फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा। इन्हें कंबाइंड क्या कहते हैं, इन चार रीजन को कंबाइंड नहीं है, अलग अलग ही नाम है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ईस्टर्न यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन को अनेक्स किया है, सॉरी। चलिए आई होप आपको ये समझ आ गया है कि रशिया क्यों अलाउ कर रहा है पॉपुलेशन को आने के लिए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे। आगे चलते हैं, यूक्रेन के कीव एरिया हिट बाय इरानियन मेड कामिकाज ड्रोन्स। अब यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यूक्रेन में हमला हो रहा है ईरान मेड ड्रोन से। अब ईरान कहां से आ गया, देखो ईरान
किससे सबसे ज्यादा सताया हुआ है? यूएसए से। ठीक है, जब ट्रंप भाई साहब के केस में जो आपकी न्यूक्लियर डील थी, ठीक है, जॉइंट जो एक्शन कह लीजिए काउंटर एक्शन था जिसपे वापस आ गए थे, जिस जो कि साइन किया गया था ओबामा भाई साहब के टेन्योर में, जिससे कि ट्रंप बाहर आ गए थे और ईरान पर बहुत सिवियर सेंक्शंस लगाए गए थे, तो उसके बाद ईरान को चाहिए पार्टनर्स। अब उसमें आ जाता है चाइना और रशिया। ठीक है, दोनों आके कहते हैं कि भाई साहब टेंशन मत लो। अब ईरान ने रशिया की सपोर्ट की है इस समय पर, किससे? ड्रोन से। अब ये ईरानियन मेड ड्रोन्स, तो यहां पर ईरान के लिए फायदा, ईरान के लिए फायदा कि ईरान की मिलिट्री सप्लाईज और एक अच्छा पार्टनर दैट इज रशिया एंड अगेन चाइना ऑल्सो। अब इससे पहले एक और न्यूज आई थी कि तुर्किए के जो ड्रोन्स हैं बायराक्टर TB2 आर्म्ड ड्रोन्स से यूक्रेन को बहुत मदद मिली, मतलब रशियन फोर्सेस पर एक बहुत बड़ा कह लीजिए वार हुआ है इस ड्रोन से जो कि तुर्की से आए हैं, इसने यूक्रेन को बड़ी हेल्प की है। और इसी ड्रोन्स को लेकर इसके सीईओ ने कहा था कि हम इंडिया को ये ड्रोन्स नहीं देंगे, बाकायदा नाम लेकर कहा। तो हमने भी पूछा, भाई साहब हमने मांगे कब आपसे ये ड्रोन्स? खूब ही मतलब अपने आप, उनको पता है ना, वो एक्चुअली वहां पर तुर्की किसको सपोर्ट करना चाह रहा है? पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ठीक है जी, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इंडिया को हम ये ड्रोन्स नहीं देंगे। हमने कहा कि यार हमने खामा खान तुम वो कह रहे हो, हमने मांगे ही नहीं है तुम। चलिए, तो वो उसका पीछे लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। तो यहां पर जो अटैक हुआ है ईरान मेड ड्रोन से, तो कह लीजिए ईरान की भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हैं यहां पर। सी ड्रोन वाला केस अजरबैजान के साथ भी हुआ है। यस 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 यस, ठीक है जी। अजरबैजान, देखो अजरबैजान को हेल्प किया करता है, अजरबैजान को हेल्प करता है आपका तुर्की, तुर्की बहुत हेल्प करता है अजरबैजान को। ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां की 95% पॉपुलेशन जो है लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन सेज तुर्की मोस्ट लायबल रूट फॉर गैस टू यू। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई चीज। देखो, एक तरफ तुर्की के ड्रोन यूक्रेन को मदद कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, और एक तरफ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं तुर्की मोस्ट लायबल रूट है फॉर गैस टू ईयू। समझ रहे हो, तुर्की भी खेल खेल रहा है। तुर्की खेल क्या खेल रहा है? देखो, तुर्की के लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्की रशिया से भी बना के रखना चाहता है, क्योंकि तुर्की की जो लीरा है वो आजकल लीर लीर हो रखी है, मतलब बहुत बुरी हालत में चल रही है, बहुत ही बुरी हालत में चल रही है जो उनकी करेंसी है लीरा। और तुर्की की इकोनॉमी इकोनॉमी जिसमें कि एक बहुत बड़ा पार्ट टूरिज्म का है, ठीक है जी, वहां की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का है, वहां के एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर के लिए जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रशिया से आते हैं, टूरिज्म सेक्टर का मेजर टूरिस्ट आते हैं, रशियंस आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि तुर्की में आप देखो ना रशिया ठंडा इलाका है, तो रशियंस के लिए तुर्की ना एक बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है घूमने फिरने के लिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बहुत हेल्प करता है। तो तुर्की की इकोनॉमी, ठीक है, ये आपकी चल रही है रशिया पे। ठीक है, आज आज क्लास में रशिया रशिया हो रखा है। यस, तो यहां पर तुर्की जो है वो हेल्प करता है, तुर्की को हेल्प चाहिए किसकी? रशिया की। अब रशिया के लिए जैसे कह लो, देख एक तरफ बाल्टिक स्टेट्स हैं, लुथानिया एस्टोनिया और लाटविया, ठीक है, और ईयू के कंट्रीज हैं और नाटो के देश हैं, दो तुर्की भी नाटो का मेंबर है, नाटो का मेंबर है, बट वो कहते हैं ना लेसर डेविल कौन सा है, ठीक है, मतलब वो कहते हैं लेसर डेविल तुर्की है, तो तुर्की के साथ ये बनाकर चल रहा है, और उसको पता है कि तुर्की हमारे पर डिपेंडेंट है ज्यादा, अगर इधर दो चार पांच करेगा तो तुरंत टाइट कर देंगे तुर्की को। तो यहां से उन्होंने कहा है कि हम नया सप्लाई रूट बनाएंगे रशिया का टू प्रिजर्व रशियाज एनर्जी लीवरेज ओवर यूरोप। ठीक है, तो यूरोप को अगर गैस चाहिए तो हम तुर्की के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, तुर्की के थ्रू दे सकते हैं, और नॉर्ड स्ट्रीम बाल्टिक गैस पाइपलाइन नहीं। तो पहले बात चल रही थी नॉर्ड स्ट्रीम टू की, नॉर्ड स्ट्रीम टू की बात चल रही थी,
अब नॉर्ड स्ट्रीम टू तो बहुत दूर की बात हो गई, नॉर्ड स्ट्रीम की भी गैस सप्लाई बंद हो चुकी है, अब रशिया चाहता है कि तुर्की के थ्रू जाए। ठीक है जी, आज ठीक है, आज आज थोड़ा इंटरनेशनल वाला चल रहा है। ठीक है, अभी मैं कंप्लीट करता हूँ। फ्रांस ने स्टार्ट सेंडिंग गैस डायरेक्टली टू जर्मनी, इस पे हो गया। इराक ने नए राष्ट्रपति आए हैं, पेविंग वे फॉर न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, कुर्दिश पॉलिटिशियन अब्दुल लतीफ, इराक की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है उनको, अब्दुल लतीफ राशिद को एज अ प्रेजिडेंट अकॉर्डिंग टू लॉ मेकर्स। और ब्रिटिश एजुकेटेड इंजीनियर हैं, इराकी मिनिस्टर रहे हैं 2003 से 2010 तक। ठीक है जी, और इनको 15 दिन दिए गए हैं टू इनवाइट अ नॉमिनी फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री ब्लॉक टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है, ये रहे भाई साहब, ये सब देश वॉर के अंदर ट्रेन के जैसे चले भेज रहे हैं, रॉकेट ले लो ड्रोन। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी इंटरेस्टिंग चीजें अभी और बाकी हैं आज के सेशन में, ट्रस्ट मी, आज के सेशन में बहुत सारी और अभी 2-3 न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग बाकी है। चलिए, इंडिया और इस न्यूज को लेकर बहुत सारे कह लीजिए बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा न्यूज आई नहीं है। इस आईएमएफ ने जनरली आईएमएफ वर्ल्ड बैंक या कह लीजिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी तारीफ करते नहीं है भारत की, अब इन्होंने क्या कहा है, जो हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पॉलिसी है, हो सकता है कि आप देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है इस चीज को काफी ज्यादा प्रोजेक्ट करे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है, ये एक लॉजिस्टिकल मार्वल है, मतलब बेहतरीन इसकी तारीफ की है आईएमएफ ने। इन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और यहां पर आप सीधा उनके अकाउंट आपने खुलवाए, ठीक है, जो कि जनधन योजना, और उसके बाद डायरेक्टली आप उनके अकाउंट में पैसा जमा करना शुरू कर दिया, ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत एक कारगर सिद्ध हुआ है और पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप सीधा सीधा आईएमएफ ने जो है इंडिया की खूब बढ़ चढ़कर तारीफ की है। ठीक है, तो इसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल्स में हो सकता है बातचीत हो, बट ज्यादा इसको कवर नहीं किया गया है। बट यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो जो अब याद करो राजीव गांधी जी की जो स्टेटमेंट है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने क्या कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे तक पहुंचता है, बीच में बहुत सारा गबन होता है, करप्शन होता है, एक लॉजिस्टिकल कॉस्ट है उन तक पहुंचाने के लिए। बट अब आप जब डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, सो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को मदद मिल रही है, लो इनकम लेवल्स को। ठीक है जी, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में फ्लैश फ्लड्स आए हैं, Forces 3 States टू एक्वेट, तो इस रीजन में आपको फ्लैश फ्लड्स मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे वाले इतने पानी को देख के कह रहे हैं कि भाई साहब इतना पानी तो हमारे हर साल ही शहरों में इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय पर, तुम इसे फ्लैश फ्लड कह रहे हो, पर चलो एनीवेज, फ्लैश फ्लड्स का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, तो इस तरीके से आपको पानी मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल न्यूज पर। इंडिया ने कहा है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल। देखिए, अगले साल G20 की कह लीजिए पूरी की पूरी मीटिंग्स कहाँ होने जा रही हैं, वो इंडिया में होने जा रही हैं। इंडिया ऑलरेडी इसको लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया इंडिया ने, और हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल्स को सिंप्लीफाई किया जाए, फाइनेंस मोबिलाइज किया जाए ताकि इंक्लूसिव और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो हमें हम हर स्तर पर ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए भारत में। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम जो ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब के ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब में ऑल्टरनेटिव बनना उतना आसान नहीं है जब तक कि बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी भारत में। तो उसको लेकर जो है कह सकते हैं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर टैक्सेशन रूल्स को सिंप्लीफाई करोगे, फाइनेंस को मोबिलाइज करोगे, तभी एक्चुअली में आपके यहां पर पैसा आना शुरू होगा और यहां पर कह लीजिए इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ला अगले साल G20 प्रेसिडेंसी है, ये एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऐसा कहा है वित्त मंत्री जी ने। ठीक
चलो नेक्स्ट है, असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी विजिट में 3,000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स को इनॉग्रेट किया, उसके अलावा 100 मॉडल सेकेंडरी स्कूल्स को किया। ये है अंडर द मिशन सौभाग्य सुभाग्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी एग्जाम के लिए, सीधा सीधा ये स्कीम पूछ सकते हैं। फ्रॉम श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र इन गुवाहाटी, और इंडियन ऑयल लिमिटेड का रेलफेड पेट्रोलियम स्टोरेज डिपो भी मोनिया मोनिराबन इन सिलचर अंडर मॉडर्न कार्गो कम कोचिंग टर्मिनल, ये आपका शुरुआत की गई है, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐसा कहना है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का कि 10 लाख करोड़ रुपए हर साल बचा सकते हैं हम। इसमें मेन अगर मैं अगर एक लाइन में कहूं पीएम गति शक्ति प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं हम, लॉजिस्टिक कॉस्ट को, लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसको नहीं समझ आ रहा है वो इससे समझ ले कि मान लीजिए ये पेन बन रहा है कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में ये पेन बन रहा है और ये पेन बन रहा है फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु में, फॉर एग्जाम्पल, तो वो पेन जो है चलकर पहुंचता है बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में, और एक्सपोर्ट भी होता है। बट इसको ले जाने में जो कॉस्ट है, दैट अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं पूरे भारत में, दैट इज 13-14%, जो कि यूरोप के कई सारे देशों में मात्र 8% है, और यही 5-6% बहुत मैटर कर जाता है। तो यहां पर ये कहा गया कि अगर हम इस 13-14% को सिंगल डिजिट में ले आए, सिंगल डिजिट में ले आए, तो हमारा 10 लाख करोड़ रुपए बच सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या है ब्रॉडली चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जैसे भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन, रेलवेज को कवर करना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो एक हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हो गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपके हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एंड देन क्रिएशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है जी। चलिए इकोनॉमी, इंडियन ज्वेलरी ग्लिटर्स, इंडियंस का जो गोल्ड को लेकर प्यार है वो जग जाहिर है, ठीक है, और ज्वेलरी को लेकर प्यार है वो भी जग जाहिर है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दवा के सेल चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। बस एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बट जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। वर्ल्ड इकोनॉमी वॉन सॉरी वर्ल्ड बैंक वॉन्स ग्लोबल इकोनॉमी क्लोज टू रिसेशन। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मैल्पस ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है डेविड मैल्पस, तो ये देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अर्थव्यवस्था का, विश्व अर्थव्यवस्था का रिसेशन में जाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो मतलब कहते हैं असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सारी चीजें चाहिए, वैसे ही जो रिसेशन के लिए कह लीजिए जो मसाला चाहिए वो सारा मसाला तैयार हो रहा है। कैसे, इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन भी चल रहा है तो जिसे हम कह सकते हैं स्टैग इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, स्टैगनेशन चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, इन्फ्लेशन भी चल रहा है तो स्टैग इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन जिसे हम स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। कट ऑफ कैपिटल फ्लोस, कैपिटल फ्लोस डेवलपिंग कंट्रीज में जा नहीं रहे, आउटपुट नहीं हो रही है, और इसकी वजह से पुअर सबसे ज्यादा हार्ड है। तो ये सारी की सारी चीजें, मेन दो चीजें हैं स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन भी हाई और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो दोनों ही चीजें मिलकर कहीं ना कहीं इस तरीके पर जा रही हैं। तो सम कंट्रीज हैव ऑलरेडी रेजिंग देयर इंटरेस्ट रेट, वी बी रीचिंग अ पॉइंट वेयर दे डोंट हैव टू कीप रेजिंग देम, और इसकी वजह से डेट बढ़ता जा रहा है, जो कि हमने श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबका देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट अमाउंट ऑफ डेट इटसेल्फ इज अप, और करेंसीज इज टेंड टू बी वीकनिंग, करेंसीज नीचे जाते जा रही हैं, ठीक है, यूके की करेंसी, यूरो, सब नीचे जा रही हैं, ठीक है, ही सेड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एड्स टू द बर्डन ऑफ डेट, और इससे बर्डन का डेट बढ़ता है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपको 100 बिलियन डॉलर, फॉर एग्जाम्पल आपको $1 बिलियन आपको लोन चुकाना था, पहले मान लीजिए 75 रुपए का था तो आपको 7500 करोड़ देना था, अब मान लीजिए 81 रुपीज का है तो आपको 8100 करोड़ देना है, तो आपकी तो बैठे बैठे 600 करोड़ की लाइबिलिटी बढ़ गई सिर्फ इसलिए क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर गया, और ये तो अभी कम है, ठीक है, लीरा, श्रीलंकन रुपी, पाकिस्तानी रुपी,
जो कि 50-50% डेप्रिशिएट कर गए हैं, कहीं तो 100-100% डेप्रिशिएट कर गए हैं, तो उनका तो बैठे बैठाए जो डेट है वो डबल हो गया है. आर यू गेटिंग दिस पार्ट? सो इट इज लीडिंग टू नॉट सो गुड सिनेरियो. और ये कहा जा रहा है कि 2023 से शुरू होकर 2 या 3 सालों तक जा सकता है. ठीक है, जब शुरुआत में COVID-19 आया था तो कई सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा कि ये 2 से 3 साल चलेगा. तो कब कई लोगों ने उन साइंटिस्ट या कह लीजिए उन एक्सपर्ट्स को कहा कि ये कितने डूम बातें कर रहे हैं, डूमस्टर्स हैं. ठीक है, और उस समय पर उन्होंने ये भी कहा कि पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया में 1 से 2 करोड़ पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ हो सकती है COVID-19 की वजह से अगर मेजर्स नहीं लिए गए अप्रोप्रिएटली. और वो उसका असर देखा भी गया फर्स्ट और सेकेंड वेव में. ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी बात चल रही है कि डूम की बातें चल रही हैं. और जिन्होंने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था उन्होंने ये कहा है कि ये जो फाइनेंशियल कह लीजिए जो रिसेशन होगा ये 2008 से भी खतरनाक होगा. चलिए लेट्स सी, बाकी मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स की न्यूज. डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर बैंड फॉर 3 ईयर्स. क्यों? क्योंकि वो एक बैंड स्टीरॉयड. स्टीरॉयड क्या होता है? परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस, जिसको खाने से या जिसको मतलब कह लीजिए यूज करने से परफॉर्मेंस एनहेंस होती है, जो ड्रग है. सो बैंड स्टेनोजोल, स्टेनाजोलोल, ये देख लीजिए ये है आपका ये ड्रग. तो कमलप्रीत कौर जो कि बहुत अच्छी डिस्कस थ्रोअर हैं, शी हैज बीन बैंड फॉर 3 ईयर फॉर द यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट स्टेटमेंट. इंडियन एथलीट का बैन 29 मार्च 2022 से शुरू होगा. और बीकेम एन ओवरनाइट स्टार जब वो 6th आई थी टोक्यो ओलंपिक्स में. बहुत लोगों को लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करेंगी. द ओनली इंडियन टू ब्रेक 65 मीटर्स बैरियर. शी वॉज प्रोविजनली सस्पेंडेड आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव. ठीक है जी, यस. नेक्स्ट है इंडिया फिनिशेस 5th इन ओसी जेक शॉटगन वर्ल्ड चैंपियंस. सो यहां पर इंडिया जो है 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन एंड ओसी जेक क्रोशिया, यहां पर हमारा 5th रैंक आया है. ये आप देख सकते हैं हमारे, ठीक है, शूटर्स को. सो नेक्स्ट न्यूज है चंद्रयान ने मैप किया है सोडियम प्रेजेंस ऑन द मून सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मून के सरफेस पर सोडियम मिला है. ठीक है, सो द फर्स्ट टाइम चंद्रयान 2 ऑर्बिटर फॉर द फर्स्ट टाइम मैप द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट सोडियम. और ये फाइंडिंग्स आई हैं चंद्रयान 1 एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर क्लास. अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ कैसे है, ये काम कैसे करता है एक्सरे फ्लोरोसेंस. बेसिकली इसमें क्या होता है कि सोलर फ्लेयर्स को या कह लीजिए लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सरे रेडिएशंस को लूनर सरफेस पे या मून सरफेस पे डाला जाता है, फेंका जाता है. एंड देन क्लास स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्स द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स जो एमिट वापस एमिट होके आते हैं उसको रिकॉर्ड करता है. काउंट द टोटल नंबर, तो कितने फोटॉन्स एमिट हुए उसको काउंट करता है. फोटॉन्स एनर्जी इंडिकेट्स द एलिमेंट्स एटम. ठीक है, तो इससे जो है पता लगा है कि आपके ये यहां पर सोडियम की प्रेजेंस है. तो करंटली सोडियम और पोटेशियम आर द ओनली एलिमेंट्स दैट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू टेलीस्कोप्स इन लूनर एटमोस्फियर दैट इज एक्सोस्फियर. मतलब वहां के एटमोस्फियर में आपको सोडियम मिला है. और ये कह सकते हैं कि हमें फर्दर स्टडीज के लिए जो बाकी प्लैनेट्स की स्टडीज में भी हमें हेल्प करेगा ये जो कह सकते हैं एक्सरे फ्लोरोसेंस का जो कंसेप्ट है ये भी, और बाकी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए भी. ठीक है जी, धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो हैं जाते जा रहे हैं. इंपॉर्टेंट है सारी इंफॉर्मेशन, अगर आप चाह रहे हैं तो मैं बाइट अप कर देता हूं. नासा टारगेट्स नवंबर 14 लॉन्च डेट ऑफ आर्टिमिस 1 मिशन. देखो आर्टिमिस 1 मिशन जो है जो पोस्टपोन हो गया था बिकॉज वहां पर फ्लोरिडा में अगर आपको याद हो हरिकेन आया था. सो नासा हैज अनाउंस दैट इट विल मेक इट्स नेक्स्ट अटेम्प्ट एट लॉन्चिंग द आर्टिमिस 1 मिशन ऑन मंडे नवंबर 15. इट विल गो अराउंड द मून बैक टू अर्थ फॉर फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ मिशंस ह्यूमैनिटी को भेजना. अब दोबारा से हम चांद पर भेजना चाहते हैं. नहीं सर, हम
हैं, चलिए गुड, मजा आ रहा है, जो डिसेंट बचे वही है। अरे वाह क्या बात है। ठीक है, सो स्पेस में जाएगा ये आर्टिमस 1 मिशन जाएगा, और ये लॉन्चिंग, ये लॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हमने देखा था हरिकेन ईयान के बाद, ठीक है, ये जो है पोस्टपोन कर दिया गया था फ्लोरिडा में। ठीक है, आपका स्पेस सेंटर है, ठीक है, स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है। अच्छा, किसी ने मेरे से यूट्यूब पर एक डाउट पूछा था कि आपका फ्लोरिडा में ही क्यों है स्पेस लॉन्चिंग सेंटर, कोई बता सकता है? कि जब भी अगर आप ध्यान देंगे जितने भी देश हैं उनकी ईस्टर्न कोस्ट पे, इवन इंडिया में भी आपको ईस्टर्न कोस्ट पे वो मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट में स्पेस लॉन्चिंग सेंटर मिलता है, क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है जी, जो बच्चे घूमने आते हैं वो, अच्छा चलिए, हाँ मेरे को ये बताओ कि ईस्टर्न कोस्ट पे क्यों मिलता है? हाँ जी, अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जब घूमेगा तो ये घूमा, ये हवा में गया तो नीचे पानी में गिरे, ठीक है, नहीं, राउंड ऑफ द अर्थ, तो वो तो फिर राउंड तो वेस्टर्न साइड पे भी है, वेस्टर्न कोस्ट पे भी है। ठीक है, आपने यहां से उड़ाया, धरती घूम गई और पता लगा यहां से घूम के नीचे गिर गया यहीं पर धरती पे ही, यहां से गिरेगा यहां पानी में गिरेगा, ठीक है जी, रोटेशन ऑफ अर्थ, यस, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, सिंपल रीजन। ठीक, चलो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, संदीप सिंह, ठीक है जी, मैं हूँ, रिजिजू विन अवार्ड्स इन वर्ल्ड समिट ऑफ स्पोर्ट्स, सो फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन एंड हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह वॉज प्रेजेंटेड विद आउटस्टैंडिंग रेजिलियंस अवार्ड इन द 6th वर्ल्ड समिट ऑन एथिक्स एंड लीडरशिप एट द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर ऑन थर्सडे। और जो फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जो अभी करंट लॉ मिनिस्टर हैं, उनको भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स एज एन इंडिविजुअल मिला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए, डिफेंस में मिग 29 डेवलप्स टेक्निकल स्नैग, पायलट इजेक्ट सेफली। भाई साहब ये मिग मेरा खतरनाक है। मिग 29 फाइटर ऑफ इंडियन नेवी क्रैश्ड ऑन वेंसडे मॉर्निंग वाइल ऑन अ रूटीन सॉर्टी ओवर द सी ऑफ द गोवा कोस्ट, जब इसमें एक टेक्निकल मालफंक्शन हुआ, पायलट इजेक्टेड सेफली, हैज बीन रिकवर्ड इन अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, उनको बचा लिया गया है, मतलब उनको वो मिल गए, एंड द पायलट इज रिपोर्टेड टू बी इन अ स्टेबल कंडीशन। इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 45 मिग 29 केस का फ्रॉम रशिया विच आर बेस्ड इन गोवा, ऑपरेटेड ऑफ द एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य एंड सून फ्रॉम द इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत। ये ट्विन सीटर मिग 29 के क्रैश इन द सी ऑफ द गोवा, पिछले साल भी एक क्रैश हुआ इन विच वन पायलट कमांडर निशांत सिंह वॉज किल्ड वाइल अदर्स इजेक्टेड टू सेफ्टी। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमारे एक कह लीजिए कमांडर, उनकी के लिए देहांत हो गया एंड अब जो है उनको बचा लिया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर विच आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। वो लास्ट ईयर के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर विच आर्म्ड फोर्सेस। सर भरपूर नॉलेज, 26 न्यूज कवर्ड। चलिए देखो, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए आपकी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है जी, इंडियन एयरफोर्स है आंसर। मेड इन इंडिया ड्रोन, ड्रोनी मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? हॉकिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आर्क ड्रोन्स, गरुड़ एरोस्पेस, ट्रस्टेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। कहां पर ये हुआ है? बिल्कुल जी, मार्टियड, बिल्कुल मार्टियड ही है।
ठीक है, वो लास्ट ईयर के बारे में लिख रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल। मेड इन इंडिया ड्रॉन ड्रॉनी, हाँ जी, 39 आउट ऑफ 55। बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। यस, गरुड़ स्पेस, गरुड़ एरोस्पेस। इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स इन अक्टूबर 2022 इन विच कंट्री। इंडिया ने एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म सेटअप किया है ताकि जो इंडियन इन्वेस्टर्स इश्यू फेस कर रहे हैं, कौन से देश के लिए? यूएई, नीदरलैंड्स, जर्मनी, यूके। अच्छा, और कम हो गए, ठीक है भाई साहब। हाँ जी, इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इश्यूज फेस्ड बाय विच आइसक्रीम। अच्छा, मैं आइसक्रीम खा लूं। विद्यासागर, तुमने क्या मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं देना है सीएपीएफ का? करंट अफेयर अटेंड नहीं कर रहे हो? चलिए, आंसर इज योर, यस, आंसर इज योर ए, यूएई। विच विलेज इन गुजरात हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज? मोधेरा, माधापुर, हाँ जी, कौन सा विलेज है गुजरात का जो कि फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज है? ओके, जॉब में बिजी है, नॉट मैनेज एज ऑफ नाउ। ओके ओके, पोल पे आंसर करिए प्लीज। चलो, आंसर बहुत इजी, मोदेरा, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप ड्रग प्रोडक्शन एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ मेड इन फार्मास्यूटिकल्स विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? कुल मिला के मेड इन फार्मास्यूटिकल्स एक कंपनी बड़ी न्यूज में थी, कहां पर है ये? सिंपल ये बता दो। अच्छा, ये चारों ऑप्शंस की सिटीज मेरे घर के पास ही हैं कुछ में। हाँ जी, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, अगर आपको याद हो, जाम्बिया, अफ्रीका में, जहां पर 66 बच्चों की मृत्यु हुई है कफ सिरप पीने से। ठीक है जी। सो विच स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप ड्रग प्रोडक्शन मेड इन फार्मास्यूटिकल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? सो दैट इज हरियाणा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्लैश, यहां पर आप सिटी भी कह सकते हो। हाँ जी, एम्स इन न्यूज ड्यूली इज डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस कोल्पोस्कोप फॉर स्क्रीनिंग विच कैंसर इन वुमेन? ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्किन कैंसर? ठीक है, हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस कॉल्पोस्कोप जो है मतलब बनाया जा रहा है किसके लिए, किस तरीके के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए? हाँ, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली में वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है।
ठीक है जी, सो दैट इज सर्वाइकल कैंसर। ठीक है जी, इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 7th इप्सामर जॉइंट मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका नेवीज, INS तेग। INS तेग, INS तरकश, INS त्रिशूल, INS तलवार। हाँ जी, INS तेग, तरकश, त्रिशूल, तलवार। सो आंसर इज योर INS तरकश। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट होता है। कैसा लगा सेशन, प्लीज डू कॉमेंट एंड प्लीज डू शेयर द सेशंस। ट्रस्ट मी, टू कंपाइल दिस इंफॉर्मेशन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड इट टू प्रिपेयर दिस इंफॉर्मेशन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड थैंक यू वेरी मच। सो दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स वेर यू कैन ज्वाइन मी, दिस इज द टेलीग्राम, जीमेल एंड इंस्टा, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड प्लीज गो अटेम्प्ट द टेस्ट। देखो टेस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे ऐड करने की, काफी सारे टेस्ट ऐड कर दिए हैं। तो जो भी आपके CDS और CAPF के टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो मैंने डाले हैं, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट। ओके, उसको टॉपिक वाइज भी डालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। किसी का कोई डाउट अभी तक का, कोई डाउट किसी का? अच्छा, somebody was asking, शुरुआत में कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं भूल रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था। थैंक यू दीप स्नेहल। सर गुलाब जामुन दीजिए। अच्छा, इस मंथ है। थैंक यू, अपनी मुझे बहुत दूर तक लेकर आया है। आई हैव अटेंडेड दिस इज बी इंटरव्यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट बट हो। यस अभिराज, कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, यू आर वेरी नियर टू दैट, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम। ग्रेट ग्रेट मुक्ता, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मुक्ता। आई हैव गॉट अ मैसेज, एग्जैक्टली द मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट कॉल्ड स्नेहल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड दिस मैसेज, ठीक है जी, एंड ऑन द इंस्टा और ऑन द टेलीग्राम, सो दैट इट कैन बी शेयर्ड। कीन्स एंड ट्रिकल डाउन थ्योरी। हाँ, कीन्स की थ्योरी, बेसिकली कीन्स क्या कहता है, देखो कीन से पहले ना एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ कह रहा था कि एक अदृश्य हाथ है, इनविजिबल हैंड है, मार्केट फोर्सेस है, ठीक है। कीन्स कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी को ना आप एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आप एडम स्मिथ से लिंक कर सकते हो, कि अल्टीमेटली जो ऊपर प्रोडक्शन होगी वो नीचे तक जाती जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ऑन्ट्रप्रेन्योर को प्रॉफिट होगा वो एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, लेबर को जो आपकी वर्किंग क्लास है उसको वेजेस मिलेंगे, इंटरेस्ट, सारी चीजें, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ग्रो करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ग्रो करेंगे, ठीक है। सो दैट इज समहाउ द मार्केट बेस्ड थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी बेसिकली मार्केट बेस्ड थ्योरी जो कैपिटलिज्म की फेवर करता है, दैट इज एग्जैक्टली द एडम स्मिथ सेज। कीन्स थ्योरी कहता है कि कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट का रोल जरूरी है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे रिसेशन जो 1929 में से 33 US में जो रिसेशन आया था, तो उसमें कीन्स थ्योरी काफी काम आई। कीन्स ने क्या कहा, कहते ना डिग द वेल फिल द वेल, लोगों को काम दो, ठीक है, ताकि लोगों के पास पैसा आए, खर्च करें और इसे इकोनॉमी ग्रो करें। चलिए ग्रेट, थैंक यू मुक्ता, प्लीज सेंड मी द मैसेज, सो इट शुड बी शेयर्ड। थैंक यू, टेक केयर।